गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में आपको विस्पर थ्योरी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, यानी कि विस्पर सिद्धांत के बारे में बताया गया था, जिसमें आपको ये बताया गया कि किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी अणु में जो हमारे परमाणु होते हैं, जब वो बंध बनाते हैं तो उनमें दो तरह के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तथा एक होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के उपस्थिति के कारण, यानी कि जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पेयर की प्रेजेंस के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन होता था, प्रतिकर्षण होता था, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता था उसमें कुछ चेंज आ जाते थे, अणु की संरचना में कुछ परिवर्तन आ जाते थे, जिसका उदाहरण आपने H2O के केस में देखा। वाटर के केस में आपको ये बताया गया था कि H2O का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होना चाहिए था वो लीनियर होना चाहिए था, यानी कि रेखीय होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, दो अयुग्मित युग्म जो थे वो इलेक्ट्रॉनों के उपस्थित थे, जिसके कारण उनमें प्रतिकर्षण हुआ, और प्रतिकर्षण की वजह से H2O का जो स्ट्रक्चर था वो लीनियर नहीं रह सका। उसके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है, जो बंध का जो कोण होता है, वो 180 डिग्री होना चाहिए था, 180 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन उससे घट करके वो रह जाता है 104 डिग्री का, 104 डिग्री का, और वी शेप का स्ट्रक्चर जो है आपको कल बना के दिखाया गया था। तो ये हमने विस्पर थ्योरी के सिद्धांत में, यानी कि विस्पर के सिद्धांत में पढ़ा था। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, सहसंयोजी बंध के आधुनिक सिद्धांत। आपने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में तो पढ़ लिया कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, ये कैसे बनते हैं, कहाँ पर किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा कहाँ होता है, किस तरह होता है, लेकिन ये सब पढ़ाने के साथ आपको किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि आपके जो अणु हैं उसकी संरचना कैसी होगी। तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, यानी सहसंयोजी बंध के आधुनिक सिद्धांत की रचना करी। और जिन दो साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया या इसे ब्रीफ किया, इसको अच्छे से समझाया, इसका विस्तार किया, वो थे पॉलिंग एंड स्लेटर, और स्टार्ट किया था हिटलर व लंदन ने। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंडर में आपको तीन कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ना है आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि संयोजी बंध सिद्धांत। इसमें बताया जाएगा आपको कि जो हमारे सहसंयोजी बंध होते हैं वो एक्चुअली में किस प्रकार से फॉर्म होते हैं, किस तरह से वो बनते हैं। एंड सेकेंड आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन से आपको मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी अणु की, जो संरचना होती है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और थर्ड आपको पढ़ना है MOT, आणविक कक्षक सिद्धांत, इसे इंग्लिश में कहते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि VBT, जिसे हिंदी में कहा जाता है संयोजी बंध सिद्धांत। पहले इसके पॉइंट्स को समझ लेते हैं, देन इसके बाद इसको अलग से एग्जांपल के साथ भी समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर एंड देयर वैलेंस ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद ईच अदर। मतलब कोई सहसंयोजी बंध तब बनता है जब दो परमाणु पास आते हैं तथा दोनों परमाणुओं के बाह्यतम कक्षकों के बीच अतिव्यापन होता है। तो यहाँ पर दो पॉइंट समझने, सबसे पहला तो बाह्यतम कक्षक यानी कि वैलेंस ऑर्बिटल, और दूसरा अतिव्यापन मतलब ओवरलैपिंग। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, तो जैसे अगर हम कार्बन का एग्जाम्पल लें, कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और इसकी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कार्बन का, तो 1s2, 2s2, 2p2, जिसमें जो आपका आउटर मोस्ट शेल है, जो बाहरी कक्षक है, वो कौन सा है, बाहरी कोश, बाह्यतम कोश, जिसे हम कहते हैं कौन सा है, 2s2, 2p2, जिसमें दो उपकक्षक, दो सब शेल प्रेजेंट हैं, s और p। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने कार्बन के केस में होता है, ये है 1s2, ये है 2s2, ये 2p2 है, जिसमें से 2s2 और 2p2 ये आपके बाह्यतम कोश कहे जाते हैं, आउटर मोस्ट शेल कहे जाते हैं, और यहाँ पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इन्हें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने कोवेलेंट बॉन्ड को जो पढ़ा है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि जब हमारे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स आपस में
ओवरलैप करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, मतलब जिस भी दूसरे एटम के साथ कार्बन को बॉन्डिंग करनी है उसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा, उसका जो बाह्यतम कोश होगा वो, और कार्बन का जो बाह्यतम कोश होगा उसके जो ऑर्बिटल हैं, जो कक्षक हैं, वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे में मिक्स होंगे, एक दूसरे में ओवरलैप करेंगे, और उसके बाद जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। सिंपल सा कहने का मतलब ये कि अभी तक आपको जब कोवेलेंट बॉन्डिंग आप पढ़ते थे, जैसे एग्जांपल ले लें हम यहाँ पर मीथेन का, ये हमने यहाँ पर लिख लिया मीथेन। अब मीथेन में कोवेलेंट बॉन्डिंग आपने कैसे पढ़ी है? आपने पढ़ा कि सर कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो ये 2.4, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। हाइड्रोजन का केस पढ़ें तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 होता है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर कार्बन आता है और 1, 2, 3, 4, ये हम कार्बन के 4 जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे वो बना लेते थे, और ये हाइड्रोजन का जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर बन जाता था, और इनके बीच क्या हो जाती थी, इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाती है। हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है और जो कार्बन है वो अपना ऑक्टेट क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पर इस तरह से एक एक सिंगल बॉन्ड जो है वो बन जाता है, और ये CH4 का स्ट्रक्चर हमारे सामने निकल करके आता था। ये हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ था कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी में। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि होता सब कुछ यही है लेकिन होता कैसे है, हमें स्ट्रक्चर के बारे में कैसे पता चले। तो कह रहे हैं कार्बन है 6, इसका एटॉमिक नंबर है, अगर इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अबव प्रिंसिपल से, तो 1s2, 2s2, 2p2, ये कुछ इस तरह से। बाह्यतम कोश में एक पाया जा रहा है ये 2s ऑर्बिटल, और ये पाए जा रहे हैं आपके p ऑर्बिटल, ये आपके प्रेजेंट है। s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। p में केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कार्बन बॉन्डिंग किसके साथ कर रहा है, कार्बन बॉन्डिंग कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन। इसके बाद सिर्फ एक ऑर्बिटल है 1s1, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग किस किस के बीच में हो रही है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर s ऑर्बिटल क्या है, फुलफिल्ड है, तो यहाँ तो इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ही नहीं। इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन शेयर कहाँ होंगे, सिर्फ 1, 2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं, तो इसके हिसाब से जो स्ट्रक्चर होना चाहिए था वो CH2 होना चाहिए था, लेकिन हमने तो पढ़ा हुआ है CH4, तो CH4 बनेगा कैसे। तो होता क्या है कि जब कार्बन बॉन्डिंग करने जाता है तो उसमें ये जो आप ऑर्बिटल देख रहे हैं 2s2 वाले, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके क्या चला आता है, यहाँ पर pz वाली जो ऑर्बिटल होती है उसमें जंप कर जाता है, और जो न्यू स्ट्रक्चर आपको मिलता है ये मिलता है आपको कुछ इस तरह से, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें हो जाता है। अगर अब आप देखें तो आपके पास शेयरिंग के लिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 4 स्पेस खाली हो गई। अब जो 4 हाइड्रोजन आएंगे उनमें से 1s1 के चारों हाइड्रोजनों के जो 1s1 होंगे उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर क्या आ जाता है, साझा करने के बाद आ जाता है, और इस तरह से जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग शो करता है। यही हमारा जो डिस्क्राइब्ड मेथड है कोवेलेंट बॉन्डिंग का, इसी को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है। अभी तो हमने सिर्फ एक पॉइंट पढ़ा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कि एक्चुअली में कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो हमसे ये बताया गया कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर एंड देयर वैलेंस ऑर्बिटल ओवरलैप विद ईच अदर। तो वैलेंस ऑर्बिटल का मतलब यहाँ पर है कि कार्बन के केस में 2s2 और 2p2 के जो ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल का मतलब 1, 2, 3, 4, ये जो 4 ऑर्बिटल हैं, ये हाइड्रोजन के 1s1 वाले ऑर्बिटल, ये केस होगा कुछ, देखिए 1s1 का केस, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होगा, इसी तरह से 4 हाइड्रोजन है तो कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के 1s1 के साथ शेयर हो जाते हैं, और चारों हाइड्रोजनों के जो ये एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पर आकर के क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे। इस तरह से पेयरिंग क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, और हमारा कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजी बंध जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है। जो नीचे देख रहे हैं ये भी कोवेलेंट बॉन्डिंग है, लेकिन अब इसे आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया जा रहा है, हम उस कॉन्सेप्ट के और अंदर एंटर कर रहे हैं कि एक्चुअली में कोवेलेंट बॉन्ड बन कैसे रहे हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन का हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया, CH4 हमें बनाना था, तो
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सहसंयोजी बंध तभी बनते हैं जब दो परमाणु एक दूसरे के क्या आते हैं, समीप आते हैं। दो या दो से अधिक जो परमाणु हैं जिनको आपस में बंध बनाना है वो एक दूसरे के पास आते हैं और उनके जो वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं यानी कि जो बाह्यतम कोश के जो कक्षक होते हैं उनमें अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन का मतलब वो आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। तो ये हमारा था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखें, केवल वे कक्षक ही अतिव्यापन में भाग लेते हैं जो अपूर्ण अथवा अर्धपूर्ण होते हैं, अर्थात जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। प्रभावी अतिव्यापन के लिए इन कक्षकों की सही दिशा भी होनी चाहिए, साथ ही अतिव्यापन वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का चक्रण भी विपरीत होना चाहिए। ये पॉइंट क्या कह रहा है? ये पॉइंट यही कह रहा है जो हमने अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि जब नॉर्मल कंडीशन पाई जा रही थी तो हमारे पास केवल दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट थे और इस थ्योरी के बिहाव पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कार्बन सिर्फ दो ही बॉन्ड बना सकता था। लेकिन जब कार्बन बंध बनाने जाता है, कार्बन बॉन्ड बनाने जाता है, तो उसके 2s वाले ऑर्बिटल में से जो 2s2 कक्षक आप देख रहे हैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है? pz वाले ऑर्बिटल में चला जाता है। जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करता है तो अब कार्बन जो है, कार्बन की जो अवस्था है वो कही जाती है एक्साइटेड स्टेट। इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट यानी कि उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था का मतलब है कि अब कार्बन जो है पूरी तरह से तैयार है बंध बनाने के लिए यानी कि अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करने के लिए। अगर ये पॉइंट आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने कल एक बात आपको बताई थी कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, जब भी बॉन्ड बनते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो एनर्जी यहीं इसी एक्साइटेड स्टेट से आ रही है कि जब हमारे परमाणु जो हैं जिनको बंध बनाना है वो उत्तेजित होते हैं। जब उत्तेजित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो एनर्जी रिलीज करते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्रिकेट वगैरह खेल रहे होते हैं, कुछ भी ऐसा गेम वगैरह खेल रहे होते हैं, तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी आती है एक्साइटमेंट से। अगर हमको किसी भी गेम को लेकर के एक्साइटमेंट नहीं होगी, बोरियत होगी, तो फिर हम वो गेम उतनी अच्छे से नहीं खेल पाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ता है? अपने आप को एक्साइटेड करना पड़ता है, अपने आप को उत्तेजित करना पड़ता है, यानी कि अपनी एनर्जी के लेवल को, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना पड़ता है। ठीक वही यहाँ पर हो रहा है कि कार्बन को जब बॉन्डिंग करनी थी तो नॉर्मल स्टेट में उसके पास केवल दो ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे जो बॉन्डिंग कर सकते थे, लेकिन जैसे ही बॉन्डिंग करने गया कार्बन, वो एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हुआ, उसके 2s2 ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके जंप करके pz ऑर्बिटल जो कि खाली थी वहाँ पर जंप कर जाता है और इस तरह से चार रिक्त स्थान हमें प्राप्त होते हैं जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉन चार इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है? साझा कर सकता है। तो ये है हमारा दूसरा पॉइंट कि केवल वही ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों या हाफ फिल्ड स्टेट प्रेजेंट हो। अगर पहले से ही ऑर्बिटल फुलफिल्ड है तो वो ऑर्बिटल, वो कक्षक जो पहले से ही भरे हुए हैं जिनमें दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो बंध निर्माण में भाग नहीं लेंगे। तो ये था दूसरा पॉइंट। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। दो कक्षकों में अतिव्यापन के कारण एक बंध कक्षक बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। इन्होंने कहा कि जब बॉन्डिंग हो जाती है, दो ऑर्बिटल्स के बीच में जब बॉन्डिंग हो जाती है, तो अब वो नॉर्मल ऑर्बिटल में नहीं रह जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में यानी कि बंध कक्षकों में। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की जो टेंडेंसी होती है, जो प्रायिकता होती है, वो सबसे अधिक होती है। जो हम लोग जब इलेक्ट्रॉन शेयर करके आपको दिखाते थे, ये देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर में, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, यहाँ आपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, ये आपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, जो कक्षक उपस्थित होंगे, वो कक्षक कहलाएंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यानी कि बंध कक्षक। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की जो प्रायिकता है, इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। फिर आपको बता रहे हैं कि बॉन्ड बनते समय एनर्जी क्यों रिलीज होती है, तो कह रहे हैं बंध के बनने में निर्मुक्त बंध ऊर्जा का कारण यह है कि दोनों नाभिकों के बीच उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म तथा नाभिकों के बीच आकर्षण बल उत्पन्न होता है। जो आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन के जो पेयर्स हैं,
वो नेगेटिव चार्ज होंगे, और जो आपका न्यूक्लियस है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स अराइज होता है, आकर्षण बल लगता है। और जब आपका न्यूक्लियस आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए उसे एनर्जी क्या करनी पड़ती है, रिलीज करनी पड़ती है, यानी कि कुछ ऊर्जा लगानी पड़ती है। भाई हमको कोई चीज़ अपनी तरफ खींचनी है तो उसके लिए हमें एफर्ट करना पड़ेगा, और जितना भी हमारे द्वारा कोई भी एफर्ट किया जाता है, जो प्रयास किया जाता है, वो किस रूप में होता है, बल के रूप में होता है। और बल का मतलब क्या होता है, ऊर्जा। वर्क जो होता है वो हमारी एनर्जी के इक्वल होता है, जितनी हम उतना ही वर्क कर सकते हैं जितनी हमें क्या होती है, एनर्जी होती है। तो यहाँ पर वही पॉइंट बताया जा रहा है कि हम बॉन्ड बनते समय जिस एनर्जी रिलैक्सेशन की बात करते हैं, जिस एनर्जी रिलीजिंग की बात करते हैं, जो ऊर्जा मुक्त होती है, वो ऊर्जा आती कहाँ से है, तो जो हमारे बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच, और जो न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक होता है हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, हमारे परमाणुओं का, उसके बीच आकर्षण बल कार्य करता है, उसके बीच अट्रैक्शन फोर्स अराइज होता है, और उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ही, उस आकर्षण बल के कारण ही ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। देन फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि ये जो ऊर्जा होगी, जो एनर्जी होगी, वो किस पर डिपेंड करेगी, तो वो डिपेंड करती है आपके ऑर्बिटल्स पर, जिनके बीच ओवरलैपिंग हो रही है या जिनके बीच अतिव्यापन हो रहा है, उस पर आपकी मुक्त होने वाली ऊर्जा निर्भर करती है। जितना अधिक अतिव्यापन होगा, ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। इस पॉइंट को अभी आपको जब बॉन्ड्स पढ़ाए जाएंगे, दो टाइप के आपको बॉन्ड पढ़ने हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, एक है आपका सिग्मा बॉन्ड, एक है आपका पाई बॉन्ड। तो जब वो दोनों बॉन्ड पढ़ाए जाएंगे तो आपको ये पॉइंट जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और यहीं पर आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है, वैसे वैसे बॉन्ड की लेंथ क्या होती है, घट जाती है। और जब और जो बॉन्ड जितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, उनकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इन शॉर्ट, अभी तक आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पॉइंट्स क्या पढ़े, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपने ये पढ़ा कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, जब दो एटम्स आपस में पास आते हैं और उनके जो वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं, जो आपके बाह्यतम कोश के जो कक्षक होते हैं, उनमें जब अतिव्यापन होता है, जब ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स के बीच, तब हमारे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा कि केवल वही ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, केवल वही कक्षक बंध बनाने में भाग ले सकते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों। देन इसके बाद थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा कि जब बॉन्डिंग हो जाती है, उसके बाद जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि हमारे जो परमाणविक कक्षक होते हैं, जब कक्षक परमाणु में होते हैं तो परमाणविक कक्षक कहलाते हैं, लेकिन जब वही कक्षक, जब वही ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, तो उनको कहा जाता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल यानी कि बंद कक्षक। तो अब आपके कक्षक किस में परिवर्तित हो गए, बंद कक्षकों में परिवर्तित हो गए। कौन से कक्षक, जिन्होंने बंद बनाने में भाग लिया है, यानी कि वे ऑर्बिटल्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें अब बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहा जाएगा। देन इसके बाद आपने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा कि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये चीज़ बताती है कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, बॉन्ड बनने के बाद जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको अपनी तरफ क्या करता है, वो न्यूक्लियस, वो नाभिक उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। कारण क्या है, नाभिक जो होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज यानी कि धन आवेश, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। और हमने पढ़ा हुआ है विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, यानी कि अपोजिट जो चार्ज होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो इस वजह से जो आपका न्यूक्लियस होगा और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, और जब आकर्षण होगा तो हमें पता है कि न्यूक्लियस तो कहीं निकल के जा नहीं सकता, वो तो सेंटर में होता है। मूवमेंट जो होता है वो सिर्फ किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो जब नाभिक इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो उसके लिए उसे कुछ कार्य करना पड़ता है, न्यूक्लियस को, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है, और यही वर्क जो है वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि जो एनर्जी होगी, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, या जो बॉन्ड एनर्जी हमने पढ़ी, जो बंद की जो ऊर्जा पढ़ी, वो
किस बात पर निर्भर करेगी, यानी कि कब वो बंद ऊर्जा ज़्यादा होगी कब कम होगी, तो कहा कि ये डिपेंड करेगा आपके ओवर लैपिंग पर, यानी कि अतिव्यापन पर। हम तो यही कह रहे हैं ना कि जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तब बॉन्ड बनता है और तभी एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि जब हमारे कक्षक अतिव्यापन करते हैं, अतिव्यापित होते हैं, तभी बंध बनता है और तभी ऊर्जा मुक्त होती है। तो हमारी जो ऊर्जा है वो निर्भर भी किस पे करेगी, ओवरलैपिंग पर, यानी कि अतिव्यापन पर। तो ये पॉइंट्स हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़े। अब चलते हैं ओवरलैपिंग के बेसिस पे टाइप्स ऑफ बॉन्ड पर। तो आपको दो तरह के बॉन्ड पढ़ने हैं, पहला पढ़ना है आपको सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पढ़ना है आपको पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का जो सिंबल होता है ये सिग्मा बॉन्ड का सिंबल होता है, और ये आप जो पाई बनाते हैं ये पाई बॉन्ड का आपका क्या होता है, सिंबल होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड के केस में जो ओवरलैपिंग होती है वो होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो होती है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग को हिंदी में कहा जाता है अक्षीय अतिव्यापन, और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग को हिंदी में कहा जाता है पार्श्वीय अतिव्यापन। अब ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, यानी कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग क्या होती है या साइड बाय साइड ओवरलैपिंग क्या होती है, ये आपको कल के एक्सप्लेनेशन में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तब तक आपको जो पॉइंट्स बताए गए हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, उस पर आपको फोकस करना है, एंड जो पुराना आपके टॉपिक्स हैं यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है उसे आप प्रैक्टिस करिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के या आयनिक बॉन्ड बनाने के, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं हैं उनकी आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। ओके क्लास, थैंक यू।